मैं तुम्हें इस वीडियो में एक गुजरे हुए समय की बात बताने वाली हूँ, जब मुझे एक छोटी सी बात के लिए एक ऐसी पनिशमेंट मिली थी जिसकी मैं आज तक कोई सेंस नहीं बना पाई हूँ। अगर तुम्हें भी कभी स्कूल में कोई ऐसी पनिशमेंट मिली है जिसका तुम्हें लगता है कोई मतलब नहीं निकलता, तो आप कमेंट्स में आके रो सकते हो। या मोस्ट वेलकम। मुझे वैसे भी बहुत शौक है लोगों की तकलीफें सुनने का, और मुझे पता है मैं लास्ट में बोलना भूल जाऊंगी तो अभी बोल देती हूँ। सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लो। तो पहले तो मैं कुछ विशेष ज्ञान की चीजें बता देना चाहूंगी, और अगर तुम्हें कुछ ऐसा है कि नहीं हम काम की बातें नहीं सुनते, सीधा वीडियो ही देखना है हमें, तो एक आध मिनट स्किप कर लो। अब अगर तुम एक साइंस स्टूडेंट हो तो तुम्हें पता होगा कि प्रैक्टिकल्स क्या होते हैं, और अगर नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। तो बेसिकली होता क्या है, तुम्हें तीन टेक्स्ट बुक्स दी जाती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स, जिनमें अजीब अजीब से एक्सपेरिमेंट्स लिखे होते हैं और इन्फॉर्मेशन दी रहती है कि ये क्या एक्सपेरिमेंट है, इसका मकसद क्या है, इसको करने के लिए चाहिए क्या होगा, इसको करेंगे कैसे, कर लिया तो ऑब्जर्व क्या किया, इसे किसका लॉ, किसका रूल, किसका फॉर्मूला जस्टिफाई हुआ है आदि। फिर और तीन बुक्स मिलती है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की जर्नल्स, और इसमें लिखा रहता है कि नहीं इसमें कुछ लिखा नहीं होता, ये खाली होती है। तो अपन को बस ये करना है कि इसमें जो लिखा है वो इसमें लिखने का है। अब मैं तुम्हें बाकी का सेटअप समझाती हूँ। मेरे प्रैक्टिकल्स होते थे दो ब्लॉक पीरियड में, एक के बाद एक कंटिन्यूअस, घर जाने से पहले वाले लास्ट के दो पीरियड। पहले वाले पीरियड में हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते थे और दूसरे वाले में बैठकर कंप्लीट करते थे। आई मीन कौन ही करता है, सब टाइम पास ही कर रहे होते हैं। अब हमारे तीन ग्रुप है, पहला वो जो फिजिक्स के लिए जाएगा बायो की जर्नल सबमिट करके, दूसरा वो जो बायो के लिए जाएगा केमिस्ट्री की सबमिट करके, और तीसरा वो जो केमिस्ट्री के लिए जाएगा। एग्जैक्टली, इसको ऐसे समझो कि अगर तुम आज बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स करके लौटे हो तो तुम्हें आज वाला प्रैक्टिकल कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि जब नेक्स्ट वीक तुम केमिस्ट्री के लिए जाओगे तो तुमसे तुम्हारी कंप्लीटेड बायोलॉजी की जर्नल मांगी जाएगी एज अ टिकट टू एंटर द लैब। और अगर तुम अपनी जर्नल लाना ही भूल गए हो तो ये वाला प्रैक्टिकल भी भूल ही जाओ, क्योंकि फिर तो एंट्री नहीं दे रहे लोग। तो अब जब मैंने तुम्हें सारी नेसेसरी डिटेल्स दे दी है, अब बताती हूँ हुआ क्या था। तो मेरी बारी थी बायोलॉजी की प्रैक्टिकल्स करने की, और मेरी फिजिक्स की जर्नल कंप्लीट नहीं थी, पर मैं लेकर गई थी और मैंने उसे उसी दिन कंप्लीट करने की कोशिश भी बहुत की थी, असेंबली बंक करके, शॉर्ट ब्रेक में, लॉन्ग ब्रेक में, पीरियड्स के बीच में, मैथ पीरियड में, क्योंकि तो वैसे भी नहीं समझ आ रहा। फिर भी मुझसे नहीं हो पाया, क्योंकि इस वाले एक्सपेरिमेंट में दो पार्ट्स थे और बहुत लंबे थे यार, खत्म नहीं हो पाया। तो अब जब हम लैब में एंटर हो रहे हैं और मेरा रोल नंबर आया तो मुझसे मेरी जर्नल मांगी गई। मैंने साफ साफ कह दिया कि देखो सर, जर्नल तो है मेरे पास और मैं आपको दे भी दूंगी, पर ये कम्प्लीट नहीं है। तो अब क्या हुआ, मैंने कहा कि मेरी जर्नल कम्प्लीट नहीं है, तो ये कहते हैं वापस जा और अपनी रफ बुक लेकर आ। तो मैं बोला बच्चा मैं गई क्लास में, वापस में लेकर आई रफ बुक। फिर कहते हैं कि अंदर मत जाना, बाहर बैठ जा यहीं लैब के एंट्रेंस पर, और 100 बार ये लिख, From now on, I will complete my work on time. 100 बार, ये जो सेंटेंस है 100 बार। ब्रो तेरी बात कुछ और बना रही हो या ना बना रही हो, सेंस तो बिल्कुल भी नहीं बना रही। ये पनिशमेंट इतने सारे एंगल से गलत है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं शुरू कहाँ से करूँ। पहले तो मुझे ये बताओ आप कि अगर आप चाहते ही हो कि मैं कुछ लिखूँ, तो मेरे हाथ में जर्नल है, मेरी आधा पेज मेरे एक्सपेरिमेंट का बाकी है, वो क्यों ना लिखने दो आप मुझे। और चलो मान लिया कि आप अब पनिशमेंट देकर ही रहोगे, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये पहला पीरियड है प्रैक्टिकल्स का, मैं 2 मिनट में पेन रगड़ के 100 बार लिख दूंगी, बाकी के टाइम क्या करूंगी, तू तो चला जाएगा बोल के, मैं 2 पीरियड यहाँ बैठ के कैसे निकालूंगी। ऊपर से ये भी कह गया कि अंदर मत जाना, आते जाते बच्चे मजाक उड़ाएंगे वो अलग। क्यों आपने एक बार भी नहीं सोचा कि ये क्या पनिशमेंट दे रहा हूँ मैं, क्या हासिल क्या होगा आपको इससे, क्या एम मकसद कुछ होगा आपके पनिशमेंट का, व्हाट विल यू ब्रिंग टू आवर कंट्री, आपका कोई पर्सनल विजन है जो मतलब हमारी कंपनी के मोटो के साथ काम करके प्रॉफिट। आपको पता है यहाँ सेंसिबल बात क्या होती, अगर आप मुझे कहते ठीक है कंप्लीट नहीं है तो 10 मिनट देता हूँ, कंप्लीट होता है तो ठीक है सबमिट कर देना, नहीं तो आज वाला प्रैक्टिकल स्किप कर दे, पर नहीं आपको तो लाइफ लेसन देना है। बेटा आज मैं ये जो सजा तुम्हें दे रहा हूँ ये तुम्हें एक बेहतर इंसान बनाएगी, ताकि अगली बार तुम अपना कार्य वक्त पर पुनः करो। हाँ सर मैं ये हमेशा याद रखूंगी कि जर्नल तो कंप्लीट करनी पड़ेगी, भूल नहीं सकते, नहीं तो सर पनिशमेंट देंगे। 100 बार फ्रॉम नाउ ऑन आई विल कंप्लीट माय वर्क ऑन टाइम लिखवाएंगे। 12 पेज का एक्सपेरिमेंट ये खुद है, और आपको लगता है कि मुझे आधा पेज भरने में जोर आएगा, और पनिशमेंट दी है अगर तो कुछ भारी दो ना यार, कि अगली बार मैं याद रखूं कि नहीं काम कंप्लीट करना पड़ेगा, नहीं तो सर नाखून उखाड़ लेते हैं। ये थोड़ा ज्यादा हो गया, बट यू गेट इट। आपने जो पनिशमेंट दी है ना उसे देखकर मैं सोच रही हूँ कि अगली बार भी जर्नल कंप्लीट करना रहने ही देती हूँ, क्योंकि अगर आधा पेज भरकर ही काम चल रहा है तो बेमतलब में मेहनत क्यों करनी। सिर्फ मैं जानती हूँ वो 2 पीरियड मैंने कैसे बिताए। अरे क्या हुआ यार, रो क्यों रही है? यार बच्चे हंस रहे थे यार मुझ पर। अरे कोई बात नहीं यार, बच्चे तो वैसे भी किसी काम के नहीं होते हैं। है ना, मुझे भी ये लगता है। और ये इंसान यही नहीं रुकता, जब घर जाने का टाइम आया ये आया मेरे पास ये देखने कि मैंने लिखा तो है ना, तो मैंने तो लिख रखा था, मैंने दिया इनको कि ये लो देख लो। 1 2 3 4 अच्छा अब गिनना भी है आपको? ठीक है तो जा रही हूँ मैं। अब एक काम कर, इसे अपने घर लेकर जा और अपने मम्मी पापा का सिग्नेचर लेकर आना। भाई क्या हो रहा है तेरे, क्या दिक्कत क्या है, क्या ऑब्सेशन क्या तुझे इस बेसलेस से पनिशमेंट से? मतलब ऐसा क्या कर दिया मैंने आज आपका जो मेरे नेमेसिस सोर नैनी में ही बन गए हो आप? बिगाड़ क्या दिया मैंने आपका, मुझे समझ नहीं आ रहा, जो आप पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो मेरा। पता नहीं कौन सी ऐसी घड़ी में उठ गई थी मैं आज, जिस वजह से ये दिन देखने को मिला मुझे। आपकी इस बचकाने पनिशमेंट से ना लाइफ लेसन का तो पता नहीं, ट्रॉमा जरूर मिल गया मुझे, और एक यूट्यूब वीडियो भी।